नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में राशन डीलर की भर्ती निकली है, जो कि बहुत ही काफी मात्रा में निकली है। बहुत सारे पद है, विभिन्न जिलों में पद है, जो कि आपको जिलेवार देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हूँ तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, एग्रीकल्चर में वैकेंसी निकली है, जिसका वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर की भर्ती की कहां कहां पद खाली उसका देखने को मिल रहा होगा। राजस्व विभाग व तहसील विभाग में कार्यालय में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है। बहुत सारी वैकेंसी हम डालते रहते हैं, बस आपको वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप उसको अप्लाई करने की जरूरत है। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वैकेंसी देखने के लिए, राशन डीलर की वैकेंसी देखने के लिए, आपको क्रोम ब्राउजर पर नया पेज ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एम राशन मित्र। एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे इसका सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, पहली वेबसाइट देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र, उस पर आपको क्लिक कर देना। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। आप मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लायर कंज्यूमर प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, मतलब इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे नीचे करते जाएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं नवीन विज्ञप्ति। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी नवीन विज्ञप्ति। ये देखिए, नवीन विज्ञप्ति देखने को मिल रही होगी, ग्वालियर जिले के है, सीहोर की है, भिंड की है, भिंड की और फिर भिंड की, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अब हम पहले दिखाते थे ग्वालियर के, ग्वालियर में कहाँ है, जनपद पंचायत नगर परिषद मोहना में है, मोहना में, जनपद पंचायत मोहना में है। और यहाँ पर सीहोर में, जनपद पंचायत सीहोर में, खुद सीहोर में ही है। वो भिंड में जनपद पंचायत अतेर में है, भिंड जनपद पंचायत भिंड में भी है, जनपद पंचायत लाहार में भी है। सभी विज्ञप्ति देखने के लिए आपको जो नीचे विज्ञप्ति का ऑप्शन दिख रहा होगा, सभी विज्ञप्ति देखे पर क्लिक कर देना है। जैसे सभी विज्ञप्ति देखने को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जिला और जनपद पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हमने भिंड में वहां पर देखा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, भिंड सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, भिंड की कौन सी तहसील में था वो आपको देख लेना है, कि किस तहसील में आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जिला सिलेक्ट कर लिया, जनपद पंचायत सिलेक्ट कर लिया। तो प्रॉपर एक जिले में ही देखना है कि जिले में कहाँ कहाँ है, तो आपको जनपद पंचायत सिलेक्ट नहीं करना है। जनपद पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना और यहाँ पर विज्ञप्ति देखे पर क्लिक कर देना है। जैसे विज्ञप्ति देखे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर यहाँ पर विज्ञप्ति होगी तो यहाँ पर आपको नीचे शो होने लगेगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट सीहोर में देखते हैं, तो सीहोर में हम जनपद पंचायत सिलेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कैप्चा फिल करते और डायरेक्ट विज्ञप्ति पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने विज्ञप्ति पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास नीचे देखिए इंटरफेस होने पर लगेगा, जनपद पंचायत सीहोर में है, विज्ञप्ति आईडी देख सकते हैं, विज्ञप्ति क्रमांक देख सके, विज्ञप्ति जारी विधि 25/5/23 को आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, होंगे कल से, मतलब कल से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, 29 तारीख से 28 है, अंतिम तारीख है 12/6/2023। विज्ञप्ति देखने के लिए आपको जो विज्ञप्ति देखकर पे क्लिक कर देना, तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको डाउनलोड होता दिख जाएगा। अनुभागीय सीहोर अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की पंचायत निम्न अनुसार, इतनी पंचायतों में, मध्य प्रदेश के सीहोर में 17 पंचायतों में खाली है, राशन डीलर के खाली पद हैं सीहोर के 17 पंचायतों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कठिन अनुसूची में संशोधन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा के अंतर्गत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, महिला स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली, राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपोक्षण विभाग द्वारा या वेबसाइट पर उक्त उचित मूल्य दुकान में ग्राम पंचायत दिख रही है। ये टोटल ग्राम पंचायत 17 है और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे भिंड में हमने जैसे इसे दबाया, ये देख सकते हैं हमारे पास विज्ञप्ति देखने का ऑप्शन आ चुका है। जैसे विज्ञप्ति पर दबाएंगे तो भिंड जिले की कितनी पंचायतों में है टोटल,
तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायतों का नाम देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप अपनी पंचायतों में भी देख सकते हैं, ठीक है। अटेर में है, भिंड में है, गोहद में है, लाहार में है, रोन में है। ऐसे आप अपने जिले के आसपास अगर कोई पंचायत में खाली है तो आप जरूर से आवेदन करिए। बस आवेदन करने के लिए आपको तो किसी सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से करना, सभी समस्या का आपका हल दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।